डिजिटलाइजेशन ने देश में लोगों को खर्च करने की क्षमता और आदत दोनों को ही बढ़ाया है। इसका सीधा असर हजारों करोड़ रुपए के मनोरंजन उद्योग के रूप में देखा जा सकता है। यही वजह है कि फिल्म और फिल्म से जुड़े अनेक उद्योग मौजूदा दौर में काफी फल फूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजार के इस ट्रेंड को समझा और फिल्म को प्रदेश के विकास से जोड़ने की अनेक स्तर पर कोशिशें शुरू की। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर प्रदेश में न केवल फिल्म निर्माण उद्योग विकसित हो रहा है बल्कि छवि गृहों यानी सिनेमा घरों की भी सुध ली गई है। प्रदेश सरकार ने छवि गृहों के उच्चीकरण और उच्च स्तरीय छवि गृहों की संख्या बढ़ाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए राज्य की संशोधित फिल्म नीति 2015 में छवि गृहों को उद्योग का दर्जा देकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें नए उच्च स्तरीय सिनेमा घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने से लेकर सस्ती बिजली देने जैसे कई प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का मकसद है कि सिनेमा घरों में जनता को भरपूर सुविधा और मनोरंजन मिले जिससे कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। इसी उद्देश्य से छवि गृहों में आधुनिक ध्वनि प्रणाली, एयर कंडीशनिंग जनरेटर सेट, फॉल्स सीलिंग लगाने और तमाम फर्नीचर बदलने के काम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार सिनेमा घरों के विकास के लिए अनुदान भी दे रही है। सरकार सिनेमा घर मालिकों को अतिरिक्त रूप से जमा किए जाने वाले मनोरंजन कर में से अनुदान दे रही है। ये अनुदान आधुनिकीकरण के लिए किए गए खर्च के 50% के बराबर है। इसके साथ ही सिनेमा घरों में डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्र लगाने के लिए भी सरकार 50% अनुदान दे रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विजन है कि राज्य में अलग अलग स्तर पर सिनेमा व्यवसाय को समृद्ध बनाया जाना चाहिए। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बंद हो चुके या घाटे में चल रहे सिनेमा घरों को फिर से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। 125 या इससे ज्यादा सीटों वाले सिनेमा घरों के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे सिनेमा घरों को फायदे में ले जाने के लिए इनके परिसरों में अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति भी दी जा रही है। सिने व्यवसाय को समृद्ध बनाने का बीड़ा उठा चुकी उत्तर प्रदेश सरकार ने वीडियो पायरेसी करने वालों और अवैध सीडी डीवीडी बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई की प्रगति को सरकार के आला अधिकारी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार प्रदेश में सिनेमा घरों को आधुनिक और सुविधा युक्त बना रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में फिल्में देखने के लिए जा सकें। इस मकसद में केबल पर अवैध रूप से पायरेटेड सीडी से दिखाई जाने वाली फिल्में बड़ी बाधा बनती हैं। सरकार ने सीडी विक्रेताओं के साथ साथ केबल ऑपरेटरों को भी सख्त चेतावनी दी है कि वे ऐसा ना करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए और सिनेमा घर मालिकों का व्यवसाय के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए मनोरंजन कर में छूट दी है। अब सिनेमा घर मालिकों को 10 रुपए तक के टिकट पर 30%, 30 रुपए तक के टिकट पर 35% और 30 रुपए से अधिक के टिकट पर 40% मनोरंजन कर ही देना पड़ेगा। इससे न केवल सिनेमा घरों का व्यवसाय तेजी से फलेगा फूलेगा बल्कि सस्ती दर होने से जनता के लिए भी सिनेमा घरों में फिल्में देखना आसान हो जाएगा। सिनेमा घरों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने तथा सिनेमा गृहों के परिसर में जनता की अभिरुचि के अनुकूल वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता एवं हर संभव सहयोग देने की कोशिश की है। पूरे हुए वादे अब है नए इरादे। उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व।